तो भैया इंडियाज बेस्ट हंटर्स सीजन 4 का बीता हुआ वीकेंड बहुत ही धमाकेदार था, जिसमें दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आदित्य क्रेजी और दिव्य ज्योति ने एंट्री लिया और जिसकी वजह से शो में अब कंपटीशन एक लेवल अप हो गया है। वैसे भैया बीते वीकेंड में सभी कंटेस्टेंट के लिए वोटिंग लाइन्स ओपन किया गया था, तो अब उसी वोटिंग का रिजल्ट निकल कर आ गया है जो बहुत ही शॉकिंग है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जानते हैं कि इंडियाज बेस्ट हंटर्स सीजन 4 के बीते वीकेंड में किस कंटेस्टेंट को कितना वोट मिला और सबसे बड़ी बात कि क्या नेपो वोटिंग में नंबर 1 पर हैं या फिर स्टीव हैं। तो ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, बस आप सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और फिर उसके बाद कमेंट करके ये बताना कि आपने बीते वीकेंड में किस कंटेस्टेंट को वोट दिया था। तो देखो दोस्तों इंडियाज बेस्ट हंटर्स सीजन 4 में अभी दो और कंटेस्टेंट के आ जाने से शो में टॉप 8 कंटेस्टेंट हो गए और इनमें से जो कंटेस्टेंट वोटिंग में नंबर 8 पर है वो है दिव्य ज्योति और रुपेश की जोड़ी, जिनको 5% वोट मिला है। उसके बाद नंबर 7 पर हैं आदित्य क्रेजी और वैभव की जोड़ी, जिनको बीते वीकेंड में 7% वोट मिला है। उसके बाद भैया जो नंबर 6 पर हैं वो है ईशानी और साध्वी की जोड़ी, जिनको 10% वोट मिला है। जी हाँ, ईशानी को ऑडियंस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिनाले तक इनका जाना शायद मुश्किल लग रहा है। फिलहाल वोटिंग में जो नंबर 5 पर हैं वो है अकीना और सुभनिल की जोड़ी, जिनको बीते वीकेंड में 11% वोट मिला है। उसके बाद नंबर 4 पर है नेक्शन और विपुल की जोड़ी, जिनको 13% वोट मिला है। वहीं भैया जो वोटिंग में नंबर 3 पर हैं वो है हर्ष केसरी और प्रतीक की जोड़ी, जिनको बीते वीकेंड में 16% वोट मिला है। जी हाँ, हर्ष को लगातार ऑडियंस से काफी मात्रा में वोट मिल रहा है और इसीलिए ये वोट रैंकिंग में टॉप 3 में है। तो दोस्तों अब बात आती है वोटिंग में नंबर 2 और नंबर 1 की। तो जो जोड़ी वोटिंग में नंबर 2 पर है वो है नेपो और वर्तिका की जोड़ी, जिनको 18% वोट मिला है। तो वहीं जो नंबर 1 पर है वो है स्टीव और रक्तिम की जोड़ी, जिनको बीते वीकेंड में 20% वोट मिला है। जी हाँ दोस्तों, नेपो और स्टीव के फैंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों के फैंस ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके अपने ही फेवरेट कंटेस्टेंट को वोटिंग में नंबर 1 पर लाना चाहते हैं। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले वीकेंड में क्या क्या होता है, लेकिन बीते वीकेंड में आपने किस कंटेस्टेंट को वोट दिया था कॉमेंट करके हमें जरूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।